तो नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन प्रिंस है दोस्तों। फिर से नया एक वीडियो लेके आए दोस्तों। कवर पिक में जिस मॉडल का पिक मतलब लिया गया है, ये मैं सूझबूझ के साथ मतलब लिया, क्योंकि देखिए घर की औरत जो होता है, जो लोग मतलब हाउस वाइफ होता है, घर में काम करता है, देखिए गाँव में या छोटे शहर में, देखिए सब तो मेट्रो सिटी में नहीं रहता है ना। तो मेट्रो सिटी में क्या होता है, पार्लर का बहुत सारे आधुनिक मतलब सुविधाएं होता है, पर गांव में एकदम छोटा शहर में उतना नहीं होता है। और घर का औरत लोग जो है दिन भर काम करती है, तो उतना ध्यान नहीं दे पाते मतलब शरीर के प्रति। तो क्या है ये अंडर आर्म में जो हेयर है, उस मॉडल को आप लोग देख रहे हो मतलब एक घर की औरत टाइप। तो अंडर आर्म में जो हेयर है, देखिए मतलब हर वक्त वॉक्सिंग नहीं कर सकते हैं या रेजिंग मतलब नहीं कर सकते अंडर आर्म सेविंग। तो अंडर आर्म में अगर हेयर मतलब रहेगा तो क्या होता है, दिन भर का काम में भागदौड़ में क्या होता है, स्वेट जम के बदबू निकलता है। तो क्या है, इससे पहले बहुत सारे टिप्स दिया है, पर क्या होता है ये वीडियो मतलब बहुत सारा पॉपुलर हुआ है, बहुत सारे मैसेज आते हैं, हम लोग का ईमेल्स आते हैं, तो इसलिए फिर से एक बना रहे हैं। देखिए अंडर आर्म में जो मतलब बदबू निकालने के लिए, देखिए डिओड्रेंट तो घर में सब यूज़ नहीं करते, और अलग सब लोग कुछ लोग तो करते ही है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, पपाया, तो पपाया जो है पपाया को पेस्ट कीजिएगा, पपाया पेस्ट, पाका वाला पपाया जो है पाका, वो जो पपाया का पेस्ट, उसके साथ थोड़ा हनी और मलाई। तो हनी मलाई और पपाया तीनों एक साथ मिक्स करिएगा, मिक्स करके एक मिक्सचर जो है वो पेस्ट जो होता है, पेस्ट बना के आप अंडर आर्म मतलब हेयर या अंडर आर्म एरिया में भी लगा सकते हो और फेस पे भी लगा सकते हो। फेस पे, बॉडी स्किन पे नहाने से आधा घंटा पहले आपको हेयर अंडर आर्म एरिया में, फेस में, बॉडी स्किन में लगाना है, फिर आधा घंटा मतलब सुखाने के लिए रखना है, फिर ठंडा पानी से धो देना है। तो ये करते रहिए, देखिएगा अंडर आर्म से आपका बदबू भी चला जाएगा और फेस जो है बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा, मतलब लाइटन का काम भी करेगा, स्किन लाइटन, और कोई स्पॉट भी नहीं रहेगा। तो ये टिप्स जरूर अपनाइएगा, रिजल्ट जरूर मिलेगा आप लोगों को। थैंक यू।